नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय ठिस्के, डिपार्टमेंट अब्दुलॉजी, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव। बच्चों, मैं आज आपको कलरीमीटर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण होता है किसी भी पदार्थ के सांद्रण का पता करने के लिए, और ये बीएससी फाइनल के सेकंड पेपर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है टूल एंड टेक्निक्स का, इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। कलरीमीटर के इस चैप्टर में हम इसके प्रिंसिपल, इसके कॉन्फ़िगरेशन और इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कलरीमीटर, आधुनिक प्रकार का जो कलरीमीटर है उसका एक चित्र है। आइए आगे हम चलते हैं, देखते हैं कलरीमीटर का काम क्या होता है। कलरीमीटर एक बहुत सुंदर डिवाइस है, कॉम्बिनेशन है प्रकाश का, प्रकाश के कलर का और सॉल्यूशन के कलर का। इस डिवाइस की मदद से, इस उपकरण की मदद से हम किसी भी पदार्थ का सांद्रण जो किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ है वो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। इसका सबसे पहले आविष्कार लुईस जूलस डोबेस्ट ने 1870 में किया था। जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, मुख्य रूप से यह टेक्निक जो है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में की जाती है। यहाँ पर हम उसका किसी भी पदार्थ का सांद्रण ज्ञात करते हैं कलर के माध्यम से। मुख्य रूप से यहाँ पर जो इसका सिद्धांत है वो दो नियमों पर आधारित है। पहला नियम है बीयर्स लॉ और दूसरा नियम है लैम्बर्ट्स लॉ। आइए देखें इन दोनों नियम क्या कहते हैं। बीयर्स का नियम कहता है कि जैसे जैसे हम पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे या पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा अब्सॉर्बिंग उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। कुल मिला के बीयर्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करता है। इसी क्रम में दूसरा जो सिद्धांत है वो है लैम्बर्ट्स का नियम। लैम्बर्ट्स कहता है कि जिस क्यूबिट में सॉल्यूशन रखा हुआ है उसकी थिकनेस, वो ज्यादा चौड़ा है या ज्यादा लंबा है या ज्यादा सकरा है, उसकी थिकनेस के आधार से भी लाइट का जो अब्सॉर्बेंस है वो प्रभावित होता है। तो आइए चले ये इन दोनों नियमों के बाद हम आगे देखते हैं कि कलरीमीटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या क्या काम होता है। ये मैं दो चित्रों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पार्ट का होता है वो निश्चित रूप से लाइट सोर्स का होता है। लाइट सोर्स के लिए हम यहाँ पर कृत्रिम लाइट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर इसके लिए हम टंगस्टन लैंप इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन लैंप के बाद या लाइट सोर्स के बाद आप देख रहे हैं कि एक अपर्चर या स्लिट होती है। ये अपर्चर या स्लिट काफी बारीक होती है, इसमें से प्रकाश प्रवेश करता है और एक सीधी लाइन में या मोनोक्रोमेटिक बीम के रूप में बदल जाता है। आधुनिक कलरीमीटर में यहाँ पर अपर्चर के बाद हम कंडेंसर लैंप का भी इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडेंसर लैंप यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ भी है। ये कंडेंसर लैंप जो होता है, लेंस जो होता है, ये कंडेंसर लेंस लाइट की इंटेंसिटी को नियंत्रित करता है। इस कंडेंसर लेंस के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर के बारे में हम अभी आगे और विस्तार से बात करेंगे। ये मुख्य रूप से इसमें कई प्रकार के इसमें कलर के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कलर अलग अलग ब्लॉक में लगे हुए होते हैं। क्यूबेट में जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उस सॉल्यूशन के रंग के हिसाब से ही हम फिल्टर को सेट करते हैं। ये आगे हम आते हैं, ये क्यूबेट है। इस क्यूबेट में हम उस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, उस सॉल्यूशन को रखते हैं जिसमें घुले हुए पदार्थ का सांद्रण हमको ज्ञात करना है। ये गोल भी होता है और ये चौकोर भी होता है। इस क्यूबेट के बाद लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए, लाइट की तीव्रता कितनी कम या ज्यादा हुई है इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको मापने के लिए एक फोटो रेसिस्टर या फोटो सेल लगी हुई होती है। इस फोटो सेल के बाद एक हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर है। फोटो सेल इसको जो भी परिवर्तन लाइट की इंटेंसिटी में हुआ है उसको इलेक्ट्रिकल आंकड़ों में कन्वर्ट करके इस गैल्वेनोमीटर तक ले जाती है और इस गैल्वेनोमीटर में हम यहाँ पर रीडिंग को देखते हैं। इस गैल्वेनोमीटर में दो प्रकार की रीडिंग हम देख सकते हैं, एक तो होती है ऑप्टिकल डेंसिटी और दूसरी होती है ट्रांसमिटेंस। मैं यहाँ पर दोनों चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। ऑप्टिकल डेंसिटी जो रीडिंग होती है वो ये प्रदर्शित करती है कि क्यूबेट में रखे हुए सॉल्यूशन में
यह फिल्टर से आती हुई प्रकाश की किरणों में से किस किरण, किस कलर की किरण को अब्सॉर्ब किया है, कितना अब्सॉर्ब किया है, इसकी रीडिंग हम ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में देखते हैं, और उसके अब्सॉर्बेंस के बाद लाइट की तीव्रता कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उसका ट्रांसमिटेंस कितना है, इसको हम ट्रांसमिटेंस के रूप में गैल्वेनोमीटर में देखते हैं। क्योंकि अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि कलरीमीटर के बाहरी पार्ट कौन कौन से होते हैं। अगर हम बाहर से देखें कलरीमीटर को तो इसमें हमको कौन कौन सी चीज दिखाई पड़ती है। इसमें हम पहला देख रहे हैं वेवलेंथ सिलेक्शन, ये कलर फिल्टर से संबंधित है वेवलेंथ सिलेक्शन। दूसरा होता है प्रिंटर बटन, अगर जो भी हमने यहाँ पर काम किया हुआ है इसका अगर हमको प्रिंट आउट लेना है तो हम उसको सीधे प्रिंटर से जोड़ सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर एडजस्टमेंट, कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर एडजस्टमेंट जो है वो सैंपल से जुड़ा हुआ है। यूवी मॉड कलेक्टर, ड्यूटेरियम लैंप, ये आधुनिक कलरीमीटर में प्रकार की व्यवस्था होती है। अल्ट्रावायलेट मॉड कलेक्टर। पांचवा होता है रेड आउट, तो हम यहाँ देख रहे हैं रेड आउट स्क्रीन होती है छोटी सी। इस छोटी सी स्क्रीन में डिजिटली हम देख सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी आई और ट्रांसमिटेंस कितना आया। छठवा है सैंपल कंपार्टमेंट, यहाँ जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसको हम यहाँ रखते हैं। सातवा है जीरो कंट्रोल, जीरो कंट्रोल ये ट्रांसमिटेंस को जब कलरीमीटर को जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसको जीरो में सेट करते हैं। इसके लिए जो नॉब होती है ये जीरो कंट्रोल कहलाती है, ये कैलिब्रेट करके हम इसको जीरो में सेट करते हैं। और आठवीं जो नॉब है वो सेंसिटिविटी स्विच से रिलेटेड है। आइए हम देखें कि ये काम करना कैसे शुरू करता है। व्हाइट लेंस जो हमने टंगस्टन का लगाया हुआ है, व्हाइट लाइट इस टंगस्टन लेंस से निकलती है और ये निकलकर स्लिट से पास होती है। स्लिट से पास होकर ये कंडेंसर लेंस में आती है, कंडेंसर लेंस में आती है और कंडेंसर लेंस से एक पैरेलल बीम के रूप में फिल्टर से क्रॉस होती हुई ये क्यूबेट या सॉल्यूशन को क्रॉस करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सॉल्यूशन जिस कलर का है उस कलर के हिसाब से उसमें से गुजरती हुई किरणों, सात रंगों की किरणों में से कोई एक स्पेसिफिक या कोई एक विशेष कलर अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि अननोन सॉल्यूशन जो है वो कोई कलर लेस हो, उसमें कोई कलर ना हो, तो उस स्थिति में हम उस सॉल्यूशन से संबंधित रीजन डालकर हम उस कलरलेस सॉल्यूशन को कलर्ड सॉल्यूशन में परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर मैं आपको सैंपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि यदि हमने नीले रंग का सॉल्यूशन लिया हुआ है तो उस सात रंगों में से जो उसको क्रॉस करती हुई निकल रही हैं उसमें से रेड कलर जो है वो अब्सॉर्ब होगा। इसीलिए जब हम फिल्टर सेट करेंगे तो वहां पर हम रेड कलर का फिल्टर को सेट करेंगे। आइए हम देखें कि कौन से कलर की लाइट अब्सॉर्ब होगी तो ट्रांसमिटेंस किस कलर की लाइट का होगा। यहाँ पर हम अगर वायलेट कलर की वायलेट कलर अब्सॉर्ब हो रहा है तो ग्रीन और येलो कलर ट्रांसमिटेंस होगा। अगर ब्लू कलर अब्सॉर्ब हो रहा है तो ट्रांसमिटेंस येलो कलर का होगा। अगर ग्रीन कलर अब्सॉर्ब हो रहा है तो ट्रांसमिटेंस रेड कलर का होगा। अब्सॉर्बेंस मतलब क्यूवेट में रखे हुए सॉल्यूशन के द्वारा उसमें से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों में से किसी एक किरण को अब्सॉर्ब करना, वो अब्सॉर्बेंस कहलाता है। और उसके बाद बची हुई किरणों का उस क्यूवेट से बाहर निकलना ये ट्रांसमिटेंस कहलाता है। इसी प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि ग्रीन कलर के लिए, येलो कलर के लिए, ऑरेंज कलर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से कलर ट्रांसमिटेंस होंगे। आइए इस टेबल में हम देखते हैं कि किस कलर, कौन सा कलर हम सॉल्यूशन लेंगे तो कौन सा कलर अब्सॉर्ब होगा। यदि हम येलो और ग्रीन कलर का सॉल्यूशन लेंगे तो वायलेट कलर की अब्सॉर्ब होगा। येलो और ग्रीन कलर ब्लू कलर को भी अब्सॉर्ब करता है। रेड कलर का सॉल्यूशन अगर लेंगे तो वो ब्लू को भी करेगा और ग्रीन को भी करेगा अब्सॉर्ब। पर्पल कलर का सॉल्यूशन लेंगे तो वो हरे कलर को अब्सॉर्ब करेगा और वायलेट कलर को अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो वो येलो टू ऑरेंज कलर को अब्सॉर्ब करेगा। उसी प्रकार से ब्लू टू ग्रीन और ये जो है ये दो कलर को अब्सॉर्ब कर सकता है, येलो और ऑरेंज को और रेड को भी। उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर जो
वेवलेंथ होती है उसके आंकड़े दिए हुए हैं कि कौन से कलर एब्जॉर्ब हुआ और उसका जो वेवलेंथ है वो क्या है। आइए देखते हैं ऑपरेटिंग इसकी हम कैसे करते हैं। ऑपरेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को निकाल कर थोड़ी देर के लिए स्थिर रख देते हैं। स्थिर रखने के बाद हम यहाँ पर लाइट को हम शुरू करते हैं और जो सैंपल जहाँ रखना होता है सबसे पहले हम वहाँ पर डिस्टिल वाटर क्यूवेट में भर करके उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को जीरो में सेट करते हैं। जीरो में सेट करने के पश्चात हम यहाँ पर जो सैंपल होता है उसको सैंपल वाले स्थान में क्यूवेट के अंदर भर के रखते हैं और उसके बाद हम इसकी जो स्क्रीन होती है या जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम ऑप्टिकल डेंसिटी और ट्रांसमिटेंस की रीडिंग को चेक करते हैं। आइए हम देखें कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। इसके एडवांटेज होते हैं ये एक काफी सस्ता और सुंदर और सुलभ एक एपरेटस होता है। इसके द्वारा हम कलर्ड कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये इजिली कैरिएबल है, ट्रांसपोर्टेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके द्वारा हम कलरलेस कंपाउंड को के सांद्रण को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये यूवी और इंफ्रारेड किरणों के प्रेजेंस में भी काम नहीं करता है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक वेवलेंथ को भी सेट नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ सेट करने के लिए हमको की जगह पर हमको यहाँ पर जो अलग अलग कलर के फिल्टर्स होते हैं उसको सेट करना पड़ता है। इसलिए कई बार जो रीडिंग होती है वो थोड़ी सी कम ज्यादा भी हो सकती है। सिमिलर कलर फ्रॉम इंटरफेरिंग सबस्टेंस कैन प्रोड्यूस एरर इन रिजल्ट। कई बार कलर के सही फिल्टर का चयन न करने के कारण रीडिंग में गड़बड़ी या रीडिंग में गलती भी हो सकती है। इसके एप्लीकेशन ये हॉस्पिटल और लेबोरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से बायोकेमिकल जो सैंपल्स होते हैं प्लाज्मा, सीरम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन, इनके कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इनके सांद्रण का पता करने के लिए। इसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी ज्ञात करते हैं सीरम जैसे कंपोनेंट्स का और एज वेल एज और उसी प्रकार से ग्लूकोज का, प्रोटीन का, वेरियस बहुत सारे बायोकेमिकल कंपाउंड का हम कॉन्सेंट्रेशन का पता करते हैं। ये फूड इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज जैसे पेंट इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बखूबी उपयोग में लाया जाता है। वाटर क्वालिटी का भी हम इसके द्वारा पता करते हैं, खासतौर से वाटर में क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन, फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन, साइनाइड, डिजोल्व ऑक्सीजन, आयरन, मॉलिब्डेनम, जिंक एंड हाइड्रेट। और हम कई कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के कॉन्सेंट्रेशन का भी पता इसमें हम कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस है, नाइट्रेट है, अमोनिया है। और हम ब्लड में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज भी, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी इसके सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से तैयारी कीजिए।